आप देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद में आप तमाम लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज रामनवमी है, रामनवमी के अवसर पर मगध संवाद की ओर से तमाम साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं यह चर्चा करना चाहूंगा समान काम समान वेतन पर। आज के वीडियो में समान काम समान वेतन पर चर्चा होगी। यह चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और सुरक्षित रखने के दरमियान अब केवल मात्र अनुमान लगाए जा रहे हैं। विभिन्न शिक्षक नेताओं द्वारा, शिक्षकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमुक तारीख को बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अमुक तारीख को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएंगे, लेकिन वह अमुक तारीख बार बार निकलते जा रहा है और हम तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए फैसला नहीं आ रहा है। यह अनुमान बार बार फेल होता जा रहा है। या वह उनको भी हम दोषी नहीं मानेंगे, शिक्षक नेताओं को भी दोषी नहीं मानेंगे, शिक्षक साथियों को भी दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के द्वारा, लोगों के द्वारा या किसी प्रकार का अनुमान लगाया जाता है और उन तक बात पहुंचती है, तो वह भी अनुमानता यह बयान आपके बीच में रखते हैं। अगर बयान पहुंचाना गलत है तो कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन जो जिन तक अगर कोई बात पहुंचती है, अनुमान पहुंचती है समान काम समान वेतन को लेकर, तो आप तक पहुंचाने का वो काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी दोषी मानना ठीक नहीं है। अभी इन दिनों मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई कि जज महोदय ने वेरी वेल नेक्स्ट डे कहकर नियोजित शिक्षकों को आश दिलाया, तो जिनके द्वारा यह बयान दिया गया, कुछ शिक्षक नेता वैसे नेता को दोषी मार रहे हैं कि वह शिक्षकों के भावुकता से शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किए, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जिस माध्यम से उन तक सूचना पहुंची, वह शिक्षकों तक पहुंचाने का काम किए। अब जज महोदय से कोई पूछ नहीं सकता है, कह नहीं सकता है कि आपने कहा था कि अगले सप्ताह बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का फैसला आएगा, आपने संकेत दिया था, आपने इस तरह से दिया और अब तक नहीं आया। कोई नहीं पूछ सकता है। जो सूचना हमें प्राप्त हुई, जो नेताओं के द्वारा सूचना प्राप्त होती है, आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है, इसलिए वह दोषी नहीं है। लेकिन कुछ अपने रोटी सेकने के फिराक में लोग अपने नाम कमाने के चक्कर में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेंशन हुआ नहीं हुआ, अरे भाई हुआ ठीक है, नहीं हुआ आप आगे बढ़िए, लेकिन जो सूचना जिन शिक्षक नेताओं के द्वारा, चाहे कोई भी संघ समिति के हो, वह जो भी सूचना जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, हमारे चैनल, किसी और चैनल या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो दोषी नहीं है। उन तक जो सूचना पहुंच रही है, वह हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, शिक्षकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह शिक्षकों के मानवता से, शिक्षकों के भावनात्मक विधि से वह खेलना नहीं चाहते हैं, शिक्षकों की खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। फिर भी शिक्षक इसको गलत भी नहीं मानते, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा इसको हवा देने का काम किया जाता है। दोस्तों, जहां तक मुझे अब तक जानकारी प्राप्त है, तो समान काम समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो भी सूत्रों के माध्यम से सूचना आए कि अमुक तारीख को आएगा, लेकिन मेरा यह अनुमान है कि जज साहब के रिटायरमेंट से पहले समान काम समान वेतन का फैसला आएगा, यह निश्चित तौर पर है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह कन्फर्म है, निश्चित है, सुनिश्चित है कि समान काम समान वेतन का फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा। लेकिन अब देखना है कि किस अमुक तारीख को, किस तिथि को यह फैसला आता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं, हम तक पहुंचाए जा रहे हैं, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, यह कोई गलत नहीं है। अनुमान लोग लगा रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से लगा रहे हैं कि रामनवमी तक आएगा, तो 15 अगस्त तक आएगा, 26 जनवरी तक आएगा, यह अनुमान पर केवल है। जब तक
सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, जितने भी उसका पार्टिकल हैं पार्टी हैं उन तक नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो अभी किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यार पिछले दिनों हमारे चैनल पर ही जज साहब का जो बयान है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, क्या सच क्या झूठ, और उस बयान को मेरे चैनल के द्वारा अन्य चैनलों के द्वारा भी चलाया गया कि वेरी वेल नेक्स्ट डे। अब कुछ शिक्षक नेता उसको हवा देना शुरू कर दिए। अरे भाई आप भी अनुमान लगा रहे थे कि एक सप्ताह के अंदर में आएगा, क्या वह एक सप्ताह फेल हो गया और नहीं आया तो आप गलत हो गए? या किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप शिक्षकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक सब कुछ समझते हैं और जब भी फैसला आएगा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा, यह हम तमाम नियोजित शिक्षक जान रहे हैं और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला आना तय है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और कब आएगा। लेकिन यह भी एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आएगा तो अनुमान लोग नहीं लगा पाएंगे और एक दिन पूर्व सूचना प्राप्त होगी कि कल तमाम लोगों को बुलाया गया है जो उसका उसके जुड़े हुए हैं, उसके जो पार्टनर हैं, जो उसके पार्टी बने हुए, उनको सूचना मिलेगी और पहुंचेगा अनुमान सारे लोगों का फेल होगा। लेकिन जज महोदय के रिटायरमेंट से पहले यह बिहार के नियोजित शिक्षकों का फैसला आना तय है और यह भी तय है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला आएगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल के द्वारा जब भी कोई नई वीडियो लोड किया जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तमाम नियोजित शिक्षकों को, तमाम साथियों को रामनवमी के पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।